नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, काफ़ी बार जियोपॉलिटिक्स में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब सभी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रश्न होता है। आज के समय इंडिया ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है कैनेडा के साथ साथ, कैनेडा के जो एलाइड कंट्रीज़ हैं, अगेन मैं आपको बता चुका हूँ फाइव आईज कंट्रीज़ के बारे में, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज़ का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुप है फाइव आईज। और आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, एंग्लो पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत सिमिलर हैं। और जब बात आई चूज़ करने की कि कनाडा इंडिया के साथ गलत काम कर रहा है, देखो हमें ये बात बोलनी पड़ेगी, कनाडा ने कोई प्रॉपर सबूत प्रस्तुत नहीं किए, किसी कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई, अपने आप ही इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे भी जब पूछा जाता है कि अभी भी 100% श्योर हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों पर अटैक करवाया है इन कनाडा, तो जवाब यही आता है, लगता तो यही है प्रॉबेबली ये ऐसा हुआ होगा। ये भी जब तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है, तब भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है कनाडा में इनको टारगेट किया गया और भारत को इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ा। हमने अपने डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिए, कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि इस पर्टिकुलर केस में US, UK समेत बाकी कंट्रीज किसका साथ देंगे। वेल, हमने यहाँ पर साफ साफ देख लिया है फाइव आईज यूनाइटेड खड़ा है और UK और USA ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, US एंड UK वॉइस देयर ओपिनियंस इन निज्जर किलिंग, दोनों ने ही UK और US ने कहा है कि बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस हैं। अब सीरियस क्या बोलूँ, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोर्ट के रूलिंग के खुल के ये भारत के होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, अजीत डोवाल का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे, ये लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया में जेल में है एक आदमी, इससे कोऑर्डिनेट करके कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको मरवा रहे हैं। तो जो इंडिया के साथ हो रहा है दिस इज़ अनफेयर। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे जो भी इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब लोग केंद्र सरकार के पीछे खड़े हो गए हैं। अभी इस वक्त कोई आप कह लीजिए पॉलिटिक्स नहीं हो रही, एक बार कोई आपको याद होगा बालाकोट में बॉम्बिंग हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफी सवाल उठे थे, बट इस पर्टिकुलर केस में भारत पर बहुत ज़्यादा ताकतवर देश आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अनफेयर तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गवर्नमेंट लाइन को यहाँ पर ले लिया है, इवन CPIM ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने भी ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो इससे ही आप आज के समय समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़रा सीरियस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो मैथ्यू मिलर की, ये US स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है। ये मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो है ना आज के समय चाइना रशिया में वायरल हो चुकी है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे जो राष्ट्रवादी हैं, देखो चाइना रशिया में भी कई लोग हैं, वो देखते हैं कि इंडिया US के काफ़ी करीब जा रहा है, इंडिया US पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, वो भी इस बात को लेकर काफ़ी हंस रहे हैं कि जब एक छोटा सा इशू भी सामने आया ना। अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कनाडा के किसी भी कोर्ट ने कोई रूलिंग दी नहीं, उसके बिना भी US ऐसी अंधी सपोर्ट दे रहा है कनाडा को। US ने ये तक नहीं कहा कि कनाडा को ना रुक जाना चाहिए, पहले जो भी उनका एविडेंस है ये एक कोर्ट के प्रोसेस से गुजर जाने दो, एक जज को बोलने दो कि जो ये एविडेंस उसको दिख रहा है इसके हिसाब से ठीक है, एक ट्रायल दुनिया के सामने आए तो सही, उसके पहले ही ऐसी कमेंट्स करना ठीक नहीं होगा। बट USA ने कम्प्लीटली कहा है कि कनाडा के जो आरोप हैं ये बहुत ज़रा सीरियस हैं और इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, द एलिगेशंस आर एक्सट्रीमली सीरियस एंड दे नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड वी वांटेड टू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट विद कनाडा इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली दे हैव नॉट चोजन दैट पाथ। यू सेड द एलिगेशंस एक्सट्रीमली सीरियस, यू मीन द लॉन्ग स्टैंडिंग वंस कनाडा? या द लॉन्ग स्टैंडिंग वंस, यस करेक्ट।
So in terms of how India reacted overnight, or how they reacted yesterday to this, how do you feel about that, the withdrawal of, I mean, obviously Canada was kicked out, but how do you feel about how India is responding? I don't have any... Now, यहाँ पे जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि कनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया इंडिया ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे कहते हैं कि उसके बारे में देखिए मैं कुछ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मगर हम चाहते हैं कि इंडिया कनाडा के साथ कोऑपरेट करे। कनाडा के जो आरोप है बहुत ज़रा सीरियस है। एक क्लियरली यूएसए ने खुद को पोजिशन कर दिया है कि इस इशू को लेकर ये कनाडा का समर्थन करेंगे। इवन तो हम देख पा रहे हैं कि कनाडा में ना इस इशू को लेकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जिनकी कोई सेंस भी नहीं बनती। अब फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे जगमीत सिंह यहाँ पे इस वीडियो में ये कहेंगे कि मैं कनेडियन गवर्नमेंट को बोलूँगा पहली बात आरएसएस को बैन कर दो, जबकि अभी तक आरएसएस का कोई रोल दिखा नहीं है इस पूरे एपिसोड में कहीं से भी। रैंडमली इन्होंने ये कह दिया कि आरएसएस को बैन कर दो, और भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं सब पे कनेडियन गवर्नमेंट को लगाने चाहिए सैंक्शन। ये जो क्लिप है सुनिए। Which is a right-wing extremist militant group from India that has branches in other countries, including in Canada, that promotes violence and division. We'll also urge Canada to impose severe and strict sanctions on Indian diplomats. We need to take every step possible to keep Canadians safe. The RCMP is exposed a very serious threat. Now, ये जो उन्होंने बात बोली इसके बाद जो मीडिया के सवाल थे कि इंडिया पे सैंक्शंस अगर लगा दिए तो उसके रिस्पांस में एक इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी, सैंक्शंस की वॉर, वो भी हम पे लगा देंगे सैंक्शंस, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, उनके साथ ट्रेड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया, बस ये स्टेटमेंट दिए निकल गए। और जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो आज के समय जो ऑपोजिशन पार्टी है कनाडा में, पियर पोलिवियर की पार्टी, उस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये लोग प्रो इंडिया है। तो लिटरली कनाडा में इलेक्शन से पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेली जा रही है इंडिया के नाम पर कि कौन ज़्यादा प्रो कनेडियन है, कौन कनाडा का देशभक्त है, जो इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा बोलेगा, इंडिया पे सैंक्शंस की बात बोलेगा, आरएसएस पे बैन की बात बोलेगा, वो ज़्यादा कनेडियन नेशनलिस्ट है, कनाडा को सपोर्ट करता है, और जो नहीं बोल रहा फॉर एग्जाम्पल पियर पोलिवियर, वो जस्टिन ट्रूडो या फिर जगमीत सिंह के हिसाब से कनाडा को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे इस इशू पर। और दुख यही होता है कि ये सारी बातें, आई मीन इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन टू सी कि कनाडा बार बार ये इशू क्यों उठा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं अब सैंक्शंस की धमकी, आरएसएस को कहीं से यहाँ पे इन्वॉल्व करवा दिया, मतलब कहीं से भी आप कह लीजिए सेंसेशनलिज्म, और बड़ी बात बोलो तो यूएस ये सब देख नहीं पा रहा। यूएस के मुँह से एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं आई कि कनाडा को भी एक बार को सोच समझ के आरोप लगाने चाहिए। इंडिया एक जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है, रैंडमली ऐसे आरोप लगाना गलत है, बट यूएसए ने यहाँ पर फाइव आइज का जो अलायंस है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखी है, और इंडिया का जो यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रस्ट इरोड हुआ है कनाडा पर, यूएस पर, इसका इम्पैक्ट कई सालों तक आप देखोगे। और अगर मैं भी आपको बता दूँ पॉसिबिलिटी है कनाडा इंडियन डिप्लोमेट्स पे सैंक्शंस अनाउंस कर दे, क्योंकि अभी इनके पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल समर्थन करेंगे इसका, जगमीत सिंह समर्थन करेंगे, इलेक्शन पास में है, ये उसी घुमार में एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी मिस्टेक कर दे और कई सालों तक इंडिया कनाडा रिलेशंस इससे ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इशू ख़त्म होने वाला है, नहीं, जैसे जैसे कनेडियन इलेक्शंस पास आएंगे ये बहुत सारी उटपटांग हरकतें करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कनाडा इंडिया के रिलेशंस न्यूज़ में रहेंगे। और अगर कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, देखिए हाल ही में वो कौन सा शहर है जिसे दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित कर दिया गया है बेस्ड ऑन सॉवरेन वेल्थ फंड्स? बताइए दुनिया का सबसे अमीर शहर, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या फिर रियाद? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी आईक्यू एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी आईक्यू का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है, और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत,
थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। भाई जियोपॉलिटिक्स में और कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसमें कभी भी कुछ भी जो है वो चेंज हो जाता है और आपको जो है ना पता नहीं चलता कि भाई अगर आज आप देखें तो कंट्री के रिलेशंस किसी और तरह जो है वो चल रहे हैं, दो दिन बाद, दस दिन बाद, एक साल बाद, एक या कुछ सालों बाद अगर आप देखें तो रिलेशंस जो है आपको किसी और तरीके से जो है वो नज़र आते हैं। क्योंकि इसकी जो एग्जांपल जो है वो आप इस तरह ले सकते हैं कि पास्ट में आपको सऊदीया और जो है वो यूएस के रिलेशंस किसी और तरीके से नज़र आते थे, लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जो सऊदीया का इंक्लाइन है वो अब चाइना रशिया की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आप अगर देखें ना कि जियो पॉलिटिक्स में आपके ताल्लुका जो है वो हमेशा आप गिव एंड टेक पर जो है वो उस पर डिपेंड जो है वो करते हैं और एक कंट्री को आपसे कितना बेनिफिट है या उसके वहाँ पर रहने वाली लोकल पार्टियों से या लोकल लोगों से कितना बेनिफिट है, मेरे ख्याल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती है। और अभी मैं एक वीडियो यानी कल रात ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो है ये बताया जा रहा है कि कनाडा और इंडिया की जो है रिलेशन डिस्टर्ब होने से जो है ना लगभग 300,000 जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा में जो पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ेगी। देखो वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों कंट्रीज के जब रिलेशन ख़राब होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आम नागरिक को भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जिनको पीआर मिल चुकी होती है ना उनके लिए तो इशू नहीं होता, लेकिन जो हाँ जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं उनके लिए जब आपको कॉन्सुलेट से हेल्प लेनी पड़ती है जब वो वहाँ पे मौजूद ही ना हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जियो पॉलिटिक्स की अभी बात ही ऐसा बोला जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर हम लोग बात करें वेस्ट की तो आपको वेस्ट में बहुत यूनिटी देखने को मिलेगी और वो यूनिटी ऐसी होगी जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके तो परमानेंट फ्रेंडशिप ही चलती है क्योंकि जहां पर कोई एक कंट्री दिक्कत में आता है कोई भी ग्रुप का बाकी सारे उसके लिए स्टैंड ले लेते हैं। लेकिन हमें हमारे रीजन में ये चीज़ कभी भी नज़र नहीं आई कि हम लोग जो है वो एकजुट खड़े हों किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वेस्ट जो है वो कभी भी आपको प्रेशराइज कर देता है। अभी जैसे अगर हम स्टेटमेंट भी जो हम लोगों ने बीच में सुनी है कि इंडिया को जो है वो कॉपरेट करना चाहिए, ठीक है वो समझ में आता है, लेकिन देखो एक जो एक दुनिया की एक साइड है वो दुनिया की दूसरी साइड को एक तरह से आप कह लो कि कमांड दे रही है कि आपने इस तरीके से करना है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि हमारे जो रीजन के लोग हैं ना और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी मतलब बेहतर होते जा रहे थे डे बाय डे और जिस तरीके से अब बीच में एक प्रॉब्लम्स जो है वो अब देखने को मिल रही है कनाडा की वजह से, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं पर अब उस तरीके से नहीं बिल्ड होगा। और मैं कमेंट सेक्शन में वैसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ पहले भी पढ़ती थी कि इंडियंस यूएसए पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते, चाहे इंडियन और इंडिया और यूएसए के गवर्नमेंट के बीच अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं तो भी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर अलर्ट थी हमेशा से कि यूएसए कभी भी जो है वो अपनी साइड बदल सकता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर जबकि इतने पावरफुल कंट्रीज आपको प्रेशराइज कर रहे हो आपके इंटरनल जो पार्टीज हैं वो किस तरह का उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं इंडियन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सीरियसली उनकी तारीफ करना चाहूँगी कि कभी भी जब मुश्किल टाइम आता है तो जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं और एकजुट हो जाते हैं ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इतनी आपको एक यूनिटी देखने को मिलती है। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में सीरियसली हर कंट्री का शायद ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं और कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल एजेंडा आपने रखना होता तो उसमें इंडिया को ड्रैग किया जाता है और उसी बेस पर जो है वो अपनी कैंपेन्स चलाई जाती हैं। ये कल भी मैंने वीडियो में बोला था और अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस आपको देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से बोला कि मतलब ज़्यादा कैनेडियन कौन है, जो ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा वो ज़्यादा कैनेडियन कंसीडर किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये लाइन ड्रॉ जो पॉलिटिशियंस कर देते हैं ना लोग इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बिखर जाते हैं और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। यार मेरा जो है ना ये चीज़ मानना है कि हर कंट्री के जो है ना अपने इनके जो लीडर्स होते हैं उनके अपने पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट होते हैं जिसकी बेस पे जो है वो काम करते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको जो है ना ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि भाई
किसी ना किसी पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगाने की जो है ना वो कोशिश है वो की जाती है, यानी कि अपना मलबा जो है ना वो दूसरे को कंधों पर जो है वो डालने की जो है वो हमेशा से जो है वो कोशिश, ये अभी नहीं, ये बहुत पुरानी जो है ना प्रथा जो है वो चलती आ रही जिसे अभी तक लोग जो है वो फॉलो जो है वो कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड जहाँ पे आपने बात की ना कि आपको जो है वेस्ट में जो है वो यूनिटी नज़र आती है, हमारे यहाँ पे यूनिटी नज़र नहीं आती, हमारे यहाँ पे जो है ना ये सीन जो है वो मैं पॉलिटिकल लेवल तो भाई एक बहुत हायर लेवल पे जो है वो बात चली जाती है, मैं अगर लो लेवल पे बात करूँ तो भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक बंदा ऊपर जा रहा है ना तो अगर उसकी किसी ने एक टांग खींची है बजाय इसके कि भाई उसकी टांग छुड़वाने के ना अपने ही जो है ना वो दूसरी टांग खींच दें कि भाई तू किधर जा रहा है वापस आ, ठीक है ना। तो ये जो है ना वाकई में हमारे जो एक साउथ एशिया का रीजन जो है यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ जो है वो नज़र आती है कि हम एक दूसरे को जब ग्रो करता हुआ देखते हैं ना तो हम उस तरह सपोर्टिव नहीं होते जिस तरह हमें सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आप जो है भाई यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूँ, ठीक है ना, आपके पास अगर यूरोप का कार्ड है यानी कि सॉरी जर्मनी का कार्ड है, वहाँ के नेशनल है, भाई आप यूरोप में कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं है। आपके पास यूएस की नेशनलिटी है, कैनेडा की नेशनलिटी है, तो भाई आप बेशक कैनेडा में जॉब करें, आपको बेशक यूएस में जॉब करें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑन दी अदर साइड जो है ना हम यहाँ पर देखें ना तो भाई हमारे यहाँ पर होता है अच्छा जी पंजाब से उठ के बंदा जो है वो दूसरे सूबे में जा रहा है, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये हमारा हक खा रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह बजाय इसके कि आप ये सोचें कि भाई कि अगर मिलकर काम करें, अपने जो है वो कंट्री के लिए काम करें, बेहतरी के लिए काम करें। हमारे यहाँ पर जो है ना एक वो रेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें जो है वो डिस्कस कर दी जाती है कि नहीं भाई फलाना जो है वो हमसे ऊपर नहीं जा सकता। मैं अक्सर जो है ये बात करता हूँ कि भाई कोई भी बंदा जो है अगर वो काबिल है, उसका दिमाग अच्छा है और वो क्या नाम लेते हैं बेशक किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, उसको आपको जो है ना वो आगे आने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें आप बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात करते हैं कि भाई फलाने कंट्री में ये हो रहा है, फलाने कंट्री में ये हो रहा है, भाई वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये बंदा हमारी कम्युनिटी का, वो ये देखते हैं कि भाई ये बंदा काबिल है ना, इसे ऊपर लेकर आओ। तो उससे क्या होता है डाइवर्सिटी, यूनिटी, ये चीज़ें आपको लोगों में देखने को मिलती है। और अगर आज आप हम कंपेयर करें ना एशिया को यूरोप को, बेशक एशिया की पॉपुलेशन, बेशक एशिया का एरिया ज़्यादा है, लेकिन GDP वाइज अगर आप देखें ना तो आपको जो है ना यूरोप या वेस्ट के कंट्रीज जो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बिल्कुल। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप ये कहना इसके बारे में जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और इसी साथ हमें जल्द मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।